बाराबंकी के एक गांव में ANM द्वारा 20 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव के प्रधान ने अपने पद का रौब दिखाने के लिए CHC अधीक्षक को फोन किया था। इस दौरान प्रधान ने अपने गांव में कोरोना का टीका मंगवा लिया, जिसके बाद CHC अधीक्षक ने ANM के हाथ कोरोना वैक्सीन को गाँव में भिजवा दिया और ANM ने गाँव के 20 लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया। हालांकि 5 दिन तक इस मामले को CHC अधीक्षक ने दबाए रखा, लेकिन सोमवार को इस बारे में जैसे ही अधिकारियों को पता चला तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए CMO ने CHC अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी कार्यालय से संबंध कर दिया है। इसके साथ ही गांव जाकर टीका लगाने वाले ANM की संविदा समाप्त करने की संस्तुति की है और प्रकरण की जाँच को ACMO को सौंप दिया गया है। रामनगर क्षेत्र में एक निर्धारित स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर एक वैक्सीन कुछ लोगों को लगा दी गई तो कोई दुष्परिणाम उसका नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल के अगेंस्ट तो उसके तहत तुरंत प्राइमरी फिसाई अधीक्षक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और जाँच कर दी। फिलहाल इस मामले में CHC अधीक्षक कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए गांव जाकर वैक्सीन लगाई है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।